आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जहां 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है, तो वहीं बिहार में टूटते गठबंधन को बचाना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा लगातार एनडीए को आंख दिखा रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मैं अपमानित होकर अब ज्यादा एनडीए में नहीं रह सकता, पीएम मोदी को न्याय तो करना ही होगा। कुशवाहा के बयान के सियासी मायने तो यही कहते हैं कि वो जल्द ही गठबंधन की गांठ खोल सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए मजबूत होने की बजाय बिखरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक सहयोगी गठबंधन तोड़ने के संकेत दे रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राज पर बीजेपी से खफा है, तो वहीं शिवसेना को पहले ही अलग होने का ऐलान कर चुकी है। अब बिहार में आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा भी नाता तोड़ने की तैयारी में हैं। लगातार सामने आ रहे उनके बयानों से साफ है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से रिश्ता तोड़ महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आज भी उन्होंने यही संकेत दिए हैं। मुंगेर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने कहा कि मैं अपमानित होकर अब ज्यादा एनडीए में नहीं रह सकता, पीएम मोदी को न्याय करना ही होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में अब तक मैं शांत रहा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए अब तो पीएम मोदी को साफ बताना होगा कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे या नहीं। आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई दिनों से पार्टी को आग दिखा रहे हैं। दरअसल कुशवाहा चाहते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से उन्हें 3 सीटें दी जाएं, जबकि बीजेपी और जेडीयू केवल 2 सीटें देने को तैयार है। इसी को लेकर तो उन्होंने एनडीए को 23 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। माना जा रहा है कि अगर 23 नवंबर को सीटों पर बात नहीं बनी तो वह 6 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में होने वाली पार्टी की बैठक में अलग होने का ऐलान कर सकते हैं और महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। खैर, राजनीति में दल बदल का खेल चलता रहता है, लेकिन अब 30 नवंबर को देखना होगा कि बिहार की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।